विश्व एड्स दिवस 2024 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशिष्ट उपस्थिति में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूएन एड्स की थीम टेक द राइट पाथ के साथ यह आयोजन जागरूकता बढ़ाने, अधिकार आधारित उपचार को बढ़ावा देने और भेदभाव समाप्त करने पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, खजुराहो सांसद श्री वीडी शर्मा, इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एड्स जागरूकता से संबंधित रिपोर्ट्स बुक्स का विमोचन किया, साथ ही एड्स के प्रति जन जागरूकता पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा की सीटों में लगातार वृद्धि हो रही है। यहां मेडिकल सीट बढ़कर 5200 हो गई है, साथ ही पीजी सीट 687 से बढ़कर 2587 हो गई है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सभी को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार एड्स को खत्म करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 के बाद एड्स का कोई भी रोगी देश में नहीं होगा। साथ ही हमारा यह प्रयास है कि वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश को एड्स मुक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले मेडिकल कॉलेज खोलने में काफी कठिनाइयां होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और श्री जेपी नड्डा जी के प्रयासों से इन समस्याओं का समाधान हुआ। आज मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आने वाले 2 साल में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी का इंदौर एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन के सेगांव में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। घायल व्यक्तियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, उनकी स्थिति स्थिर है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल से बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आज शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों प्रदेशों के राज्यपालों ने परस्पर विकास के विभिन्न विषयों पर अनौपचारिक चर्चा की। रतलाम में चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री श्री चैतन्य कश्यप, जनजातीय कार्य विभाग मंत्री श्री कुंवर विजय शाह एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने सहभागिता की। सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री श्री विश्वास सारंग ने रविवार को निवास पर प्रतिदिन होने वाले जनदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना एवं उनके त्वरित निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए।